गुजरात में भाजपा को मिल सकता है पूर्ण बहुमत। इंडिया टीवी मेट राइज फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस के दूसरे स्थान पर रहने का अनुमान है। इस फाइनल ओपिनियन पोल का प्रसारण आज शाम इंडिया टीवी न्यूज चैनल पर किया गया। फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से बीजेपी 109 से 124 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस 51 से 66 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 7 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य 1 सीट जीत सकते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, कांग्रेस के 81 और अन्य ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 49.9%, कांग्रेस को 39.1% और आप को 7.5% और अन्य को 3.5% वोट मिल सकते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48.8%, कांग्रेस को 42.3% और अन्य को 8.9% वोट मिले थे। क्या है गुजरात में सीटों का क्षेत्रवार गणित? मध्य गुजरात की 61 सीटों में से बीजेपी 43 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 17, आप 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। सौराष्ट्र कच्छ में कुल 54 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 32 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को 18 और आपको 4 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण गुजरात की कुल 35 सीटों में से बीजेपी 26 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को 6 और आपको सिर्फ 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उत्तर गुजरात की 32 सीटों में मुकाबला बराबरी का रहने का अनुमान है, यहां बीजेपी को 15 और कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। इंडिया टीवी मेट्राइज ओपिनियन पोल के लिए गुजरात के 182 विधानसभा क्षेत्रों के 45,500 लोगों उत्तरदाताओं से बात की गई, तो 45,500 सैंपल साइज में 27,300 पुरुष और 18,200 महिलाएं शामिल थीं। 20 से 27 नवंबर के बीच तक रैंडम सैंपलिंग क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन किया गया था।